हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो में सिंपल स्टेप है, आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपने डेवलपर में जाना है। डेवलपर में जाने के बाद गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 बिंदी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कॉल हिस्टोरी, सेटिंग, हेल्प एंड फेसबुक। तो गाइस उसके लिए हमें सेटिंग क्लिक हम अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेटिंग पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको उस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो गाइस सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है कॉलिड आइडिया आईडी एंड स्पैंड, तो हम उस पर क्लिक कर देना और इन ऑप्शनों को आपको ऑन कर देना है। तो गाइस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लॉक्स नंबर, तो हम उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अननोन नंबर को जब आप ऑन कर देंगे तो इससे क्या होता है, जो आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेफ नहीं है वो आपके ब्लॉक हो जाते हैं। इस ऑप्शन को ऑन कर अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल नंबर को आपको ब्लॉक करना है तो आपको ऐड ए नंबर पे क्लिक करना है, उसका नंबर डालना है, यहाँ पर उसे यहाँ से ब्लॉक कर देना है। तो गाइस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट, तो हम उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वोडाफोन इन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे फिक्स डायलिंग नंबर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वाईफाई कॉलिंग करना चाहते हैं तो वाईफाई कनेक्ट करके आप वाईफाई कॉलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर टर्न ऑफ वीडियो कॉल है, अगर आप इस ऑप्शन को जब ऑन कर देंगे तो आप डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉल फॉरवर्डिंग, जैसे कि आप किसी नंबर की कॉल जो है अपने नंबर पर फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है एडिशनल सेटिंग, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कॉल वेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग, तो हम उस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपको नंबर नोट इन योर कॉन्टैक्ट को जब ऑप्शन को ऑन हो जाता है तो आपके जो फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेव नहीं है उन नंबरों की कॉल रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको सिलेक्ट नंबर पे जाके यहाँ से अपना चूज़ है कॉन्टैक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जिस नंबर की आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है आप यहाँ से कोई सा भी नंबर सिलेक्ट कर लेना है। तो वह इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो वही बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले ऑप्शन, तो हम उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शॉर्टकट पर क्लिक कर देना और आपके जो कॉन्टैक्ट हैं आप वो फर्स्ट नेम से शुरू करना चाहते हैं या लास्ट नेम से, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। जैसे कि नेम से करना चाहते हैं तो सो नेम पे क्लिक कर देंगे, फर्स्ट नेम से करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट नेम पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है नेवरी प्लेस, तो हम उस पर क्लिक कर देना और इन दोनों ऑप्शनों को आपको ऑन कर देना है। तो गाइस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्विक रिमोशंस, तो हम उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि गाइस आपके पास किसी व्यक्ति की कॉल आ रही है, आप कहीं बिजी हैं, कॉल नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपको जब टाइम मिले तो आप अपने हिसाब से यहाँ से SMS कर सकते हैं उसे। तो गाइस पे कर जाते हैं। पे करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड प्रोविजन, तो हम उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वॉल्यूम बटन है वो सॉरी रिंगटोन चेंज करनी है, नोटिफिकेशन वॉल्यूम लगाना, अलार्म वॉल्यूम लगाना, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो गाइस पे कर जाते हैं। पे करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉइस मेल, तो हमें वॉइस मेल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको सेटअप पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वॉइस मेल नंबर पे क्लिक कर देना है, तो गाइस आपको जिस नंबर पे अपनी वॉइस मेल भेजनी है उसका नंबर डालना है और इसे ओके कर देना है। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फोन में अपनी वॉइस मेल भी भेज सकते हैं। तो गाइस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना, तो नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्लिप टू साइलेंट, तो हम उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन को जब ऑन कर देंगे तो गाइस इससे क्या होता है, जैसे कि आप अपने आपको जो फ़ोन है टैप आपका जब फ़ोन आता है तो आपकी जो रिंगटोन बजती है, आप चाहते हैं कि किसी का फ़ोन आए वो रिंगटोन खुद ब खुद ऑफ हो जाए, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन को ऑन करना होगा और अपना फ़ोन जब आप उल्टा कर देंगे यानी कि फ्लिप कर देंगे तो आपकी जो रिंगटोन है वो ऑफ हो जाएगी। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।